तो भीतर जाओ, जाओ भीतर जाओ। अरे हम तो लूट बना रहे थे, लूट हुआ है। क्या मामला है सर? देखिए ICICI बैंक में अज्ञात अपराध कर्मी के द्वारा कुछ रकम की लूट की सूचना आ रही है, उसी में छानबीन के लिए आए हैं। आगे जैसा भी होगा। सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? कई एक कर्मचारी बोल रहे हैं कि गार्ड एकदम सुरक्षा व्यवस्था नहीं, गार्ड था, बिना आर्म्स का था। हम लोग उसकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम लोगों ने बैंक रजिस्टर भी चेक किया है, उसको देख कर करके आगे बताया। दूसरी बार खुलासा हो पाया लूटी गई रकम का? खुलासा हो पाया वो हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली है प्राथमिक है कि 15-16 की लाख की बात बताई जा रही है, अभी चेक कर रहे हैं। सर कितने की संख्या में अपराधी? वो सब हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग सब कर रहे हैं, प्लीज करने दीजिए अभी। पता दो दिनों की बंदी के बाद आज जैसे ही गोबरसही का ये ICICI बैंक खुलता है, वैसे ही 3 की संख्या में अपराधी बैंक के भीतर आते हैं और 13,92,000 रुपये की लूट की घटना को अंजाम देकर आराम से निकल जाते हैं। ICICI बैंक में ये दूसरी बार इस प्रकार की घटना हुई है जब लुटेरों के निशाने पर ये बैंक आई है। सुरक्षा के मामले में पूरी तरीके से बैंक जीरो था, क्योंकि जो गार्ड थे उसके पास किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं था, जिस कारण अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट पे ये बैंक बार बार आ रहा है। अब मुजफ्फरपुर के जो टाउन DSP हैं राम नरेश पासवान, वो पहुँच कर जाँच कर रहे हैं कि कैसे ये घटना हुई और शायद ही अब उस रकम की बरामदगी हो पाए। मुजफ्फरपुर से NBT के लिए मैं संदीप कुमार।